जो टीवी इंडस्ट्री का एक नाम है, जो दोनों को आप ले आए, मुश्किल होता है इस तरह के सितारों को लाना। क्या कोई स्क्रिप्ट भी आपके दिमाग में है, क्योंकि कहानी भी, प्रोड्यूसर भी आप हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है कि आप इस तरह की एक पैन इंडिया फिल्म भी बनाना चाहें जिसमें और भी सितारे जुड़े जो हिंदी इंडस्ट्री में भी हैं? नहीं, अभी जनरली मैं बताऊं ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरे दिमाग में कोई स्क्रिप्ट है और ना मेरे मन में कोई ऐसा है कि मैं उनको लेके फिल्म बनाऊं। जबकि आमिर भाई ने तो उस दिन 100 बार हमें बोला, मुझे बोला कि आप प्रोड्यूस करो, मैं एक्ट करूंगा और कॉमेडी बनाते हैं ऐसी कि आई वांट टू डू दिस टाइप ऑफ। तो बट जेन्युइनली क्या है कि वो मेरे दोस्त हैं, तो इतने पैसे हैं नहीं अभी हमारे पास कि आमिर खान की फिल्म बनाई जाए, तो इसलिए मैंने अभी मेरे मन में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत साल पहले ही, जब मैंने अरदास फिल्म बनाई थी, तो ही सेड दैट टू मी एट दैट टाइम कि गिपी मेरे लिए अगर कोई कैमियो है छोटा तो आई विल डू इट फॉर यू। तो उसमें क्या आ गया यू, कि मेरे लिए करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि जब वो करे ना वो अपने लिए करें, कि मैं इतनी अच्छी चीज उनके पास लेके जाऊं कि वो कहें कि हाँ यार ये तो मैं अपने लिए करूंगा, ये बहुत अच्छी है ना। तो अगर कोई वो चीज मेरे पास आएगी तो मैं डेफिनेटली लेके जाऊंगा। तो फिलहाल तो बस यही है कि उन्होंने हमारा ट्रेलर लॉन्च किया, कपिल भाई भी आए, सो हिज आवर ब्रदर, तो उन्होंने सपोर्ट करने के लिए पहुंचे सबके सब, बहुत अच्छा लगा। ऐसी कंट्री है कि जिसमें बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही है, तो जैसे बाकी कई लैंग्वेजेस की फिल्में हम देखते हैं, हमारी लैंग्वेज की फिल्म भी वो लोग देखें। सो हमारी कोशिश है, जबकि पहली कैरी ऑन जट्टा जब आई थी तो मुझे लगता है कि पंजाबी की एक वही फिल्म है जिसकी जो रीमेक होके 4-5 लैंग्वेजेस में बाद में बनी। तो हम चाहते हैं कि हमारी फिल्में ऐसे बने जहाँ हमारी फिल्में भी डब होके वहाँ पे चले, तो इसीलिए हम इस फिल्म को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा नेशनल लेवल पे इसको पैन इंडिया रिलीज किया जाए। आपसे मेरा सवाल है कि इस पूरी फिल्म में इतने सारे लोग हैं, टेलीविजन से भी है और मेन इंडस्ट्री से भी है, कोई ऐसा मूवमेंट सेट पे हुआ हो जो आपको है कि ये तो ना मुझे जिंदगी भर याद रहने वाला है? बहुत सारे मोमेंट्स हैं, लेकिन हमने एक प्रैंक किया था संगा जी पे, संगा जी सेकेंड लास्ट फ्रॉम देयर, तो एक बहुत वो प्रैंक पूरा 1.5 घंटा चला, और यूजुअली ना मेरी हंसी बहुत जल्दी निकल जाती है, लाइक इट्स रियली लाइक जो मेरे अंदर चल रहा होता है वो मेरे फेस पे आ जाता है। सो आई समटाइम्स से दिस टू माय फ्रेंड्स दैट आई एम अ रियल लाइफ बैड एक्टर, मतलब मैं वो नहीं कर सकती हूँ। हमने प्रैंक खेला और मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा था कि मैं ही सबसे पहले हंसूंगी और ये पता चल जाएगा और ये प्रैंक फ्लॉप हो जाएगा, बट दैट वेंट ऑन फॉर लाइक 2 आवर्स। हमने कुछ ऐसा, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, वी टोल्ड हिम दैट ही वॉज कटिंग हिज नेल्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन, और हमने बीनू जी ने शुरुआत की और कुगी जी ने ये बोल के कि ये इल्लीगल है लंडन में और सबको डिपोर्ट किया जाएगा और आपकी फिल्म की सब्सिडी भी कैंसिल, शूटिंग भी कैंसिल, एंड उनको इतना डरा दिया, एंड वी वर मेकिंग हिम सिट इन द कार एंड टेकिंग हिम टू द एयरपोर्ट, बट जस्ट बिफोर दैट ही एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग एंड ही सेड ओके यू नो मे बी आई कैन सेल माय हाउस एंड यू नो पैसे इकट्ठे करके शायद हम इसका कर दें, एंड देन आई सेड नो 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 मैं अपने पेमेंट कट नहीं कराऊंगी, आप सब लोग कराओ, सो आई हैड टू ऑल्सो एक्ट। But that day was so much fun. जिस दिन भी सेट पर पूरी टीम एक साथ होती थी, मैं सिर्फ हंस रही होती थी, मेरी वजह से सबसे ज़्यादा टेक्स होते थे और उसके लिए मैं बहुत embarrassed भी होती थी, but I couldn't help myself. So every day was so memorable, but I clearly remember that day was the blast. Like shooting रोक के हम prank. कोई नहीं आएगी और generally दसा में कोई problem भी नहीं आएगी। ये film में actually जो दोस्ती बना दिया, हूँ ऐसा हो गया। मतलब जो थर्ड पार्ट बनाया सी सीरियसली, मतलब असि इन्ने एक्साइटेड सी सारे के सारे, जिन्ना के तुसी कह दें कि बच्चे नूं हॉलीडे दा चाह नहीं था कि एतवार दिन आ गया स्कूल नहीं जाना है ना। सो सानू इन्नी एक्साइटमेंट सी कि यार असि छुट्टियां भी लैने आ गए, क्योंकि एक जिहड़ी पूरी दी पूरी टीम है, सो ये सारे के सारे फैमिली वांगू ने और इन्ने ज्यादा एंटरटेनिंग ने। जदों आपां सैट दे उत्ते हुंदे सी सारा दिन हंसदे खेडदे दा लंघ जांदा सीगा। सोनम तो कह रही है मेरा 1 किलो खून बढ़ गया, कह रही। सो मैं नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आई है और सारे ने बहुत सपोर्ट की है, क्योंकि ये जिस तरीके की फिल्म है ये टीम वर्क तो बिना बन नहीं सकती। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क,
क्योंकि मल्टी स्टारर बहुत जने की एड्डी वड्डी कास्ट आ, पंजाबी की सब तो वड्डी कास्ट है जी इस फिल्म के। सो सारे ने बहुत सपोर्ट की और मैं जेनुअनली एज अ प्रोड्यूसर भी एज अ एक्टर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो बड़ी प्राउड की गल है कि असं भी उसे खड़े होकर पूरी शूटिंग देखी है जी टीवी नगर के ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਚ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੈਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਬਸ ਆਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਦਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਯੂ ਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਓਕੇ ਲੈਟ ਮੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ ਫਿਲਮ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੋ ਕੁ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਸ ਟੂ ਮੱਚ ਵਰਕ, ਕਿ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਆਈਵ ਸੀਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਗਰੋਥ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਈਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਜਾਂ ਕੈਰੀਓਨ ਜੱਟਾ 2, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ 29 June ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਮ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਡਾਇਲੌਗਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੇ ਕਭੀ ਇਹ ਬਾਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਲਮ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜੌਬ, ਚੱਲਣਾ ਫਰਾਈਡੇ, ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਮੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹ ਸੋਚਣੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਜੌਬ ਏਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਕੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਆ, ਅਬ ਫਿਲਮ ਕਿਆ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੋ ਫਿਲਮ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋ ਜਾਨੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ, ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ, ਪਾਸੇ ਹੱਟ ਸੋਹਣਿਆ ਓਏ, ਜੱਟੀ ਤੁਰ ਆਉਂਦੀ ਐ।